तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा केला फ्राई हो चुका है। अब मैं केले को इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, द स्वादिष्ट किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको केले के सब्जी केला दम बनाना बताऊंगी। तो चलिए, इसके लिए मैंने केला को काट के उसे उबाल लिया है। उसके मैं अब छिलके ऐसे हटा लूंगी। ऐसे ही ऐसे करके हमें सारे केले के छिलके हटा लेने हैं। अभी ये केले इतने बड़े बड़े हैं, इसको मैं दो दो पार्ट में कट कर लेती हूँ। तो मैंने इसको दो दो पार्ट में कट कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। केला दम बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसे फ्राई करूंगी, जिससे कि इसमें सौंधापन सा एक टेस्ट आ जाए। तो केले को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें मैं एक चम्मच तेल डालूंगी। तेल को चारों साइड फैला लेंगे, जैसे कि केला हमारा चिपके नहीं फ्राई करने टाइम। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें केले डाल के फ्राई करूंगी। आराम से फ्राई करें, जिससे कि केला हमारा टूटे नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा केला फ्राई हो चुका है। अब मैं केले को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैं इसमें 1.5 चम्मच के करीब 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें तेल डाला है। 1 चम्मच जीरे का मैंने तड़का लगाया है। इसके बाद मैं इसमें प्याज का तड़का लगाऊंगी। प्याज फ्राई होने के बाद मैं इसमें टमाटर, 1 टमाटर और 1 लहसुन का मैंने पेस्ट तैयार करके इसको डाल दूंगी। अब मैं इसमें कुछ मसाले, टेस्ट अनुसार नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको डाल के अच्छे से फ्राई करना है मसाले को। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच मसाला फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने केले फ्राई करके रखे थे उसे डाल दूंगी। इसे भी डाल के 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छे से मिक्स करके। केले में डाल के मसाले को अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है हमें। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के बीच बीच में इसे फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालूंगी। पानी ज्यादा नहीं डालना हमें, बस इतना डालना है इसमें कि केला सारा अच्छे से डिप हो जाए। अब इसका इसमें 1 चम्मच हम मीट मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स, मीट मसाला आप पसंद करते हैं तो डालें, ये ऑप्शनल है। नहीं भी डालने पर टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। अब इसको ढक के हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी केला पका हुआ है, मसाला भी पका हुआ है, बस ग्रेवी को पकाना है हमें।
तो देखिए फ्रेंड्स, दो मिनट के बाद हमारा सब्जी बनके केला दम बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी केला दम की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूले। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।